हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम एंट्रेंस में कल मैंने छोटा सा एक कंसेप्ट डाला था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। आज मैं एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ बीकॉम एंट्रेंस के लिए, जिसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा वैल्यूएशन ऑफ, अभी ताज़ा ताज़ा आपने पढ़ा होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, पहले तो हम लोग ये जान लें कि गुडविल होती क्या है। आपने कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ा होगा कि इसको इंटेंजिबल एसेट्स माना जाता है। एक ऐसी एसेट जो दिखाई नहीं देती है, जिसको लोग हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, विच कांट बी टच ऑन सीन, जिसको ना तो छू सकते ना तो देख सकते हैं। गुडविल एक एडिशनल प्रॉफिट होता है। ये तो मान लीजिए किताबी भाषा के इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन आप जान लें कि गुडविल जो होता है ये किसी बिजनेस में एक एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करता है। जिस बिजनेस की कोई गुडविल ना हो, जिस बिजनेस की कोई ख्याति ना हो, जिस बिजनेस की कोई पॉपुलरिटी ना हो, जो बिजनेस फेमस ना हो, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है बहुत अच्छे लेवल। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो गुडविल आपको एक पहचान दिखाता है, नेम फेम एंड मनी, पॉपुलरिटी शो करता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स में भले हम इसको मानते हैं इट इज पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, बट गुडविल का रियल वैल्यू मैंने आपको बताया। आप किसी का स्टेटमेंट है बिजनेस के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, इफ कैपिटल इज लॉस नथिंग इज लॉस्ट। ध्यान रखिए गुडविल के बारे में, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ये बिजनेस मानता है कि अगर आपकी पूंजी डूब गई कोई बात नहीं, एक बार। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इफ कस्टमर इज लॉस्ट, अगर कस्टमर आपसे भटक गए, इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कस्टमर के भटकने से थोड़ा सा नुकसान माना जाता है। इफ कस्टमर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन बच्चों लास्ट स्टेटमेंट है इफ गुडविल इज लॉस्ट, अगर आपकी गुडविल खत्म हो गई देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, तब आपका बिजनेस पूरी तरीके से डूब जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ये कहा जाता है गुडविल का एक सिग्निफिकेंस मैं आपको बताया, गुडविल का एक इम्पोर्टेंस बताया कि अगर आपकी पूंजी डूब जाए कोई बात नहीं, आपके कस्टमर भटक जाए तो थोड़ा सा नुकसान होगा, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन अगर बिजनेस की गुडविल खत्म हो गई बच्चों तो कहा जाता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये कंसेप्ट है, इसलिए गुडविल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है मार्केट में। बगैर गुडविल के किसी मार्केट का बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखना। फिलहाल मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा रहा था आज, तो मैं इसके बारे में बताने लगा कि क्या होता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग देखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन होता कैसे। पार्टनरशिप अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, जब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गुडविल का वैल्यूएशन चार मेथड से हो सकता है। आपकी 11-12 की बुक मैं देख रहा था, उसमें तीन मेथड दिया है, चार मेथड होता है, ये आपको ध्यान रखना। एक तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। में क्या करना है आपको ध्यान रखना है, कैपिटलाइजेशन मेथड आपको बताता है कि हम पूंजी के आधार पर जब काम करते हैं, कैपिटल के आधार पर हम काम करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड इसको बोलते हैं पूंजीकरण।
और लास्ट में जो आपकी बुक में कब मिलता है, और जब बड़ी किताबें पढ़ेंगे एनुटी मेथड, तो वहां पर आपको मिलेगा। तो ये आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और एनुटी मेथड, चार मेथड से गुडविल कैल्कुलेशन होता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में हम लोग करते क्या है, अच्छा नॉर्मली एक बात और भी आपसे मुझे बताना है, किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की गुडविल बनने में कम से कम कितने टाइम लगना चाहिए? जवाब दीजिए। किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस को स्टेब्लिश करने में अकाउंट मानता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मानता है 3 साल। 3 साल कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले शुरुआत करने में, पहले साल शुरुआत करने में, 1 साल तो समझने में निकल गया, दूसरे साल तक आपको बिजनेस और मार्केट को कोरिलेट करने में, कोऑर्डिनेट करने में चला जाता है, तीसरे साल से गुडविल आपकी मार्केट वैल्यू हल्का सा बढ़ती है, हल्का सा, फलाने को हम जानते हैं, तीसरे साल के बाद आपकी मार्केट अपने आप रन करती है। तो अकाउंट मानता है कि विदाउट एनी मेंशन, इसको आपको ध्यान में रखना है, अगर कुछ ना कहा जाए तो गुडविल चाहे जब भी आप वैल्यूएट करिए, ये माना जाता है कि 3 साल तक टाइम लग जाता है गुडविल को मेंटेन करने के लिए, ऐसा आपको नहीं बोला है, ऐसा अकाउंट्स बोल रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि गुडविल का फार्मूला बताता है। गुडविल का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, पहले तो आप डायरेक्ट निकाले टोटल प्रॉफिट जो अभी आपके पास है, ऐड कर लीजिए अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है, इनटू परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर कि गुडविल को परचेज करने में, गुडविल को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी बोल सकते हैं, कि इसके बारे में अगर कुछ ना कहा जाए तो 3 साल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इस फार्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे टोटल प्रॉफिट आपका 2 लाख है, 5 साल का प्रॉफिट आपने कमा रखा, इसकी गुडविल क्या होगी आपको ध्यान रखना है, 1,20,000, ये आपकी गुडविल का वैल्यूएशन माना जाएगा। किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, विदाउट एनी मेंशन, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब मैं आपको दूसरे मेथड पर बताने जा रहा हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड आपको बताऊंगा मैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। दूसरा काम हम लोग करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जितना पैसा हमने लगाया है बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू किस रेट से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट से मार्केट में उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है या कमाई आ रही है। जैसे बैंक में अगर हम जमा करते हैं तो कितने परसेंट से हमको नॉर्मली इनकम होती है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर हम लोग गुडविल निकालते हैं, गुडविल कैसे निकलेगी ये भी आप, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। और परचेजिंग ईयर के बारे में अगर कुछ ना कहा जाए बच्चों, तो गुडविल को मेंटेन होने में 3 साल लग जाता है कम से कम, ये बात आप सपोज कर लो कि क्वेश्चन में टोटल मान लीजिए प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए था और 5 साल का, यानी 40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, लिमिटेड भी कर ले। और ये बात आपको ध्यान रखना है, बिजनेस में आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड करा है, ये भी आप सपोज करिए कि 2 लाख रुपये आपने कैपिटल लगाया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी आपको नॉर्मली 20,000 का प्रॉफिट मिल सकता है। अब सुपर प्रॉफिट क्या होगा, 40,000 माइनस 20,000, सुपर प्रॉफिट आपका 20,000 रुपये होगा, तो गुडविल 60,000 होनी चाहिए। गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा 1 साल का 20,000, तो 3 साल की गुडविल मेंटेन करने में जो पैसा खर्च होगा वो 60,000 आपको खर्च करना पड़ेगा। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है, ये बात आपको ध्यान रखें।
तो ये कंसेप्ट है, इस पर आपसे सवाल पूछा जाता है, इस पर आप वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब मैं आता हूं तीसरे मेथड पर। तीसरा मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन। और कैपिटलाइजेशन जो मेथड है, पूंजीकरण विधि भी बोलते हैं, इसके आधार पर हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल दो तरीके से निकलती है, एक तो एवरेज प्रॉफिट बेस पर और दूसरा सुपर प्रॉफिट बेस पर। थोड़ा ध्यान से समझिए, एवरेज प्रॉफिट बेस पर जब कैपिटलाइजेशन मेथड में हम गुडविल निकालते हैं तो डायरेक्ट गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल इंप्लाइड, माइनस कैपिटल इंपैक्ट। ये सवाल है, कैपिटल इंपैक्ट, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। पहले यहां पर इनटू हैंडल कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू निकलती है। हाँ, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू हैंडल, ये जो वैल्यू आएगा इससे हम क्या माइनस कर देंगे? कैपिटल इंप्लाइड, जो भी हमने विनियोजित पूंजी लगाया है बिजनेस में उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे सपोज करिए पिछले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 40,000 था, इनटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये 4 लाख आ जाएगा, और कैपिटल इंप्लाइड आपका 2 लाख था, यानी इसके अकॉर्डिंग गुडविल आपकी कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए। ये आपका 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख माइनस 2 लाख बराबर, ये आपका एवरेज प्रॉफिट बेस पर है। और बच्चों जब भी आप सुपर प्रॉफिट बेस से बनाएंगे, सुपर प्रॉफिट बेस से, तो भी आंसर यही आएगा। फार्मूला यहाँ पर क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू, ध्यान रखिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ कुछ माइनस नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपने उस क्वेश्चन में निकाला था 40,000 माइनस 20,000, तो उस क्वेश्चन में था 20,000। अब आप वैल्यू रख दीजिए, अगर आंसर आ जाए खटाखट 20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%, यानी ये आपका 2 लाख रुपए गुडविल आ गए, तो ये तब भी वही आता और यहाँ पर भी यही आता है। फार्मूले में फर्क क्या है? कैपिटल इंप्लाइड, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट पर कैपिटल इंप्लाइड यूज होगा और सुपर प्रॉफिट पर कुछ भी नहीं होगा, आंसर दोनों मेथड से सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं होगा। ये आपका तीसरा मेथड हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अब मैं आपको चौथा मेथड बताऊंगा, चौथा मेथड आपका एनओटी मेथड। एनओटी मेथड मतलब वार्षिकी विधि। ये वार्षिकी विधि क्या है? एनओटी मेथड एक आता है कि एक साल के अंदर, एनओटी मतलब साल भर की बात है, कि हम गुडविल, एवरेज गुडविल हमारी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर फार्मूला होता है डायरेक्टली कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन क्या है? रुपए की सबसे छोटी यूनिट 1 रुपए होती है। ये माना जाता है कि अगर हम मार्केट में 1 रुपये लगा रहे हैं तो 2 साल बाद 1 साल बाद हमको इंटरेस्ट के साथ अमाउंट कितना मिलेगा। आप बैंक में जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बढ़ जाता है, तो वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन हमको देखना पड़ता है 1 साल के अंदर क्या है, आफ्टर 1 ईयर। तो ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है। जैसे सपोज करिए सुपर प्रॉफिट 10,000 है और 1 रुपये का जो प्रेजेंट वैल्यू 1 साल के बाद उसका इंटरेस्ट के साथ वैल्यू हो गई सपोज करिए 2.7। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 कितने रुपए लगेगा? इसका मतलब आपकी गुडविल क्या होनी चाहिए, गुडविल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 27,100 रुपए मात्र, ये अकॉर्डिंग टू
और बेटा ये जो होता है इसकी एक टेबल बनाई रहती है कि जैसे आपको अगर इस चीज समझ में नहीं आए तो ये दी रहती है कि बैंक में 1 लाख रुपए आपने जमा किया और सपोज करिए आपको 3% इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट, तो 3% 1 साल में 3,000 रुपये का ब्याज मिला, यानी आपको मूलधन प्लस ब्याज कितना मिलता है, 3,000, 1,03,000 का पूरा अमाउंट हुआ। तो प्रेजेंट वैल्यू तो ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, 1 रुपये हमने लगाया तो 1 साल के बाद हमको विद इंटरेस्ट पर यूनिट 2 रुपये 71 पैसे मिला, तो 10,000 पर क्या होगा कि आपका एनुटी मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। ये 4 मेथड कवर हो गए, बाकी मैं कल आपका छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करूंगा, इसको आप पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।